तो हेलो सर, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई पर कैसे मंगा सकते हैं। ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। चाहे आप लोन बोलिए, चाहे फाइनेंस बोलिए, चाहे ईएमआई बोलिए, सारा कुछ एक ही होता है। तो कैसे आप ईएमआई से फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट जो है परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मोबाइल फोन हो या लैपटॉप हो या टीवी हो या फ्रिज हो, एसी हो, कुछ भी आप ईएमआई पर ले सकते हो। क्योंकि कोई भी अगर हमको सामान लेना रहता है, अगर मान लीजिए 20,000 का कोई सामान है, तो आपके पास अगर 20,000 रुपये नहीं है मंथली वाइज, अगर उसे आप देना चाहते हैं, तो उसी को ईएमआई बोला जाता है। कैसे क्या करना है, कैसे आपको ईएमआई पर कोई भी प्रोडक्ट जो है लेना है फ्लिपकार्ट से, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हमको फ्लिपकार्ट को ओपन करना पड़ेगा, तो फ्लिपकार्ट ऐप मैं ओपन करता हूँ। एंड यहाँ पर जैसे कि आप सभी को पता, बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत सारी कंपनियाँ हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ईएमआई से फ़ोन लेकर के आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर सर्च पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे लाइक ओप्पो मोबाइल है, तो ओप्पो में मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे एक फ़ोन जो है दिख चुका है ओप्पो का, जो कि ओप्पो A53S है, 5G है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ एंड इस पर जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर बाय नो का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर बाय नो पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर जैसे बाय नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा आपको कुछ प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू के बटन पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर पूछेगा आपको पेमेंट का ऑप्शन। अब जैसे ही पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर पूछता है तो यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे। अब यहाँ पर मैं तो फ़ोन का बता रहा हूँ, बट यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट आप लेना चाहते हो तो कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे मैंने फ़ोन का सर्च किया तो यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन जैसे आप आओगे थोड़ा नीचे, तो यहाँ पर देख पा रहे हो ये डेबिट कार्ड से मैंने ऑर्डर किया था। तो डेबिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट का दिखा रहा है, गूगल पे का दिखा रहा है, उसका UPI दिखा रहा है, वॉलेट दिखा रहा है, ATM कार्ड दिखा रहा है और क्रेडिट कार्ड दिखा रहा है ना। तो यहाँ पर उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर नेट बैंकिंग है, उसके बाद यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी भी है ना, उसके बाद यहाँ पर EMI है। तो यहाँ पर सबसे पहले EMI पे मैं क्लिक करता हूँ एंड जैसे EMI के बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे उसके ऑप्शन पे आओगे तो यहाँ पर देख पा रहे हो बहुत सारे आपको बैंक का नाम दिख रहा है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको बैंक के नाम दिख रहे हैं, बट यहाँ पर आगे आपको क्रेडिट कार्ड लिखा हुआ है। तो क्रेडिट कार्ड का मतलब ये है कि आपको डेबिट कार्ड से ऑर्डर नहीं होगा, मतलब डेबिट कार्ड से आप मतलब EMI नहीं ले सकते हैं। EMI लेने के लिए आपको आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। अब सभी बैंक तो आपको क्रेडिट कार्ड देते ही हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आप कोटक महिंद्रा बैंक में ऑनलाइन जो है बैंक खाता खुलवा लीजिए, उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड जो है मिल जाएगा। अब जैसे क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा तो यहाँ पर लिखा है कोटक बैंक क्रेडिट कार्ड, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ एंड कोटक महिंद्रा बैंक के जैसे क्रेडिट कार्ड आप लोगे उसके बाद यहाँ पर आपको EMI जो है शो कर देगा कि कितना आपको EMI जो है देना है। इसका ब्याज जो 12% पड़ रहा है आपका, लाइक यहाँ पर 15,900 यानी कि 16,000 का, मान लीजिए 16,000 का आपका फ़ोन है तो यहाँ पर 5,437 रुपये का पड़ रहा है आपको 3 साल लगे। यहाँ पर देख पा रहे परसेंट जैसे मतलब आपको डेट जो है बढ़ता जाएगा उसके यहाँ उसके हिसाब से यहाँ पर जो है आप परसेंटेज भी बढ़ता जाएगा। यहाँ पर 14%, 15%, 15% लास्ट 15% है आपको, और यहाँ पर जितना भी अगर 2 मंथ 3 मंथ का लेना चाहते हैं तो यहाँ पर 12% आपको मिल जाएगा। 6 मंथ का लेना चाहते हैं तब पर भी 12% आपको मिल जाएगा, लेकिन जैसे आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर परसेंटेज जो है बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर मैं अगर 12 मंथ वाला, 1 साल वाला यानी कि लेना चाहता हूँ तो इसे मैं क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करोगे एंड जैसे आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ से आपको पूछेगा कार्ड नंबर। कार्ड नंबर पूछने के बाद यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा मंथ और ईयर जो कि आपको कार्ड पे मिलेगा, एक्सपायरी डेट जिस तरह का रहता है सेम उसी का वैलिड रहता है वैलिड थ्रू। तो यहाँ पर इसको आप डालोगे जो कि मंथ है, ईयर है, उसके बाद यहाँ पर आपको CVP डालना पड़ेगा एंड इतना सारा कुछ डालने के बाद आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका फ़ोन जो है उसके बाद आपके क्रेडिट कार्ड से पैसा जो है कटता रहेगा, हर मंथ जो है आपका क्रेडिट कार्ड से पैसा जो है कटता रहेगा आपने जितने भी मंथ का सिलेक्ट किया है। तो इस तरह से जैसे कि आप देख पा रहे हो आपको इसके बाद आपका फ़ोन जो ऑर्डर हो जाएगा उसके बाद आपके क्रेडिट कार्ड में से पैसा जो है हर मंथ कटता रहेगा है ना। तो इस तरह से आप जो है किसी भी प्रोडक्ट को EMI से मंगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए। क्रेडिट कार्ड केवल आपको सबसे आसानी तरीके से कोटक महिंद्रा बैंक का मिल जाएगा। तो कोटक महिंद्रा बैंक में ऑनलाइन आप जो है खाता अपना खोल सकते हैं, उसके बाद क्रेडिट कार्ड अपना ले सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।